जय हिंद। नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आईटीबीपी का रिजल्ट यहाँ पे लगातार जारी हो रहा है, और आईटीबीपी रिजल्ट का दौर जब शुरू होता है तो यहाँ पर एक के बाद एक करके यहाँ पे लगातार आप सभी का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाता है। आप सबको पता होगा कल यहाँ पे पानीर का रिजल्ट जारी हो गया, और आज यहाँ पे आप सभी का एक और रिजल्ट आ चुका है जो कि डाउनलोड करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप सभी अपने रिजल्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड तो आप सभी कर ही लेंगे क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था, लेकिन आज मैं आप सबको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि आप अपने रिजल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस कर लें। जिस प्रकार से यहां पे लिखा गया है ट्रेड टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, तो आप सभी अपने ट्रेड टेस्ट का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीजें आपको बताने वाले हैं, रिजल्ट 100% सही जानकारी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बच्चे द्वारा स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजा गया है। यहाँ पर क्या कुछ बताया गया है ध्यान दीजिएगा। यह होगा रेफरेंस नंबर, और यहीं पर अगर हम बात, यह हो गया आपका रेफरेंस नंबर, और ये हो गया एडवर्टाइजमेंट नंबर, हो गया ये आपका यहाँ पे नंबर हो गया कांस्टेबल है, और यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो ये है एनिमल ट्रांसपोर्ट। ये दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं एनिमल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पर देखिए जर्नल का ये बच्चा है, और यहाँ पर देखिए रोल नंबर हो गया, फॉर्म एब्सेक्ट है, और यहाँ पे देखिए NA लिखा गया है। ठीक है, अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि यहाँ पर देखिए नीचे क्या दिया गया, यहाँ पे देखिए एनिमल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया एनिमल ट्रांसपोर्ट। तो एनिमल ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। आप सभी कैसे चेक कर सकते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप सभी यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि देखिए एनिमल ट्रांसपोर्ट का है, बच्चे ने PET क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है, उसके बाद PST क्वालिफाई कर लिया, फिर देखिए यहाँ पे रिटर्न एग्जाम सामने यहाँ पे लिखा क्या गया है ध्यान दीजिएगा, नॉट क्वालिफाइड। या दोस्तों एनिमल ट्रांसपोर्ट का है, आप सभी जानते होंगे कि एनिमल ट्रांसपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 52 पोस्ट निकल के आई हुई थी, लेकिन तो भी बच्चों ने हार नहीं माना, फिजिकल क्वालिफाई करके है, रिटर्न एग्जाम भी देकर आए हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिखा गया नॉट क्वालिफाइड, और इस बच्चे का जो नंबर है ध्यान दीजिएगा, इस बच्चे का जो नंबर है यहाँ पर लिखा गया है 67 नंबर, इस बच्चे का 67 नंबर है, लेकिन यह बच्चा जो है वो नॉट क्वालिफाइड है, मतलब बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया एग्जाम को। आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे ही देखिए यहाँ पर रिजल्ट जो है जारी हो चुका है, लेकिन अभी आपको बता दें जो बच्चा जिसका भी यहाँ पे क्वालिफाइड लिखा होगा उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सामने यहीं पर उनको एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल गया होगा, ग्रीन कलर का एडमिट कार्ड डाउनलोड, ठीक है, तो इसी पर क्लिक करके अपने नेक्स्ट स्टेज का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें जो बच्चा क्वालिफाई कर लिया होगा एनिमल ट्रांसपोर्ट के एग्जाम को, उनके पास एक मेल मिला होगा, उस ईमेल में बकायदे हर चीज़ लिखा होगा उसमें कि आपका मेडिकल कब है, और मेडिकल का एडमिट कार्ड आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बात करें यहाँ पर तो आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, केवल डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल ही होगा एनिमल ट्रांसपोर्ट। देखिए यहाँ पर कहीं भी ट्रेड टेस्ट नहीं लिखा गया है, यहाँ पर केवल और केवल डॉक्यूमेंटेशन और DME RME RME2 यही लिखा गया है बस, और कुछ नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए बता दें आप सभी को, बच्चे ने यहाँ पर दे सकते हो 67 मार्क्स लेकर आए हैं, लेकिन ये बच्चा क्वालिफाई नहीं हो पाया, यहाँ पे लिखा है नॉट क्वालिफाइड, तो इसको लेकर काफ़ी अफसोस होता है देख कर कि बच्चा बताओ इतना मेहनत करने के बाद यहाँ पर 67 नंबर लेकर आया और इस बच्चे का यहाँ पर सिलेक्शन ना हो सका। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है नॉट क्वालिफाइड इन मेरिट क्राइटेरिया, ठीक है, मतलब कि इस बच्चे ने एग्जाम तो क्वालिफ, आप लोग समझ नहीं पाते मेरी बात को, हर बच्चा एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एग्जाम हो रहा है जिसमें 100 नंबर का एग्जाम है, अगर वो बच्चा यहाँ पे 35 नंबर लेकर आता है तो एग्जाम को तो क्वालिफाई कर ही लेता है, लेकिन विभाग द्वारा जो कट ऑफ बनाई जाती है उस कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाता। देखिए यहाँ पे लिखा गया साफ साफ नॉट क्वालिफाइड इन मेरिट क्राइटेरिया, उस मेरिट को ये क्वालिफाई नहीं कर पाया बच्चा, इसलिए बच्चा नहीं हो पाया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 67 मार्क्स इसके बन रहे थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं है, बच्चा फिर से देखेगा भर्ती और फिर कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा लेगा, क्योंकि इसकी पढ़ाई जो है स्ट्रांग है, मजबूत है पढ़ाई। तो इसलिए मैं आपको यही बस कहना चाहता हूँ कि आप भी किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर जाने वाले हैं तो आप अपने पढ़ाई पर विशेष फोकस करिएगा, उसी के अकॉर्डिंग और पढ़ाई के बेसिस पर ही आप सभी यहाँ पर अब सिलेक्शन पा सकते हैं। इस बच्चे ने यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई किया होगा, फिर एग्जाम देकर आया, 67 मार्क्स बने हैं, और ये जिसका भी बच्चे का यहाँ पे नंबर लिखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप सभी अपना नंबर दे सकते हैं, और यहाँ पर क्वालिफाई हो कि नहीं हो ये भी आप सभी यहाँ पर दे सकते हो। और साथ ही बताएं तो देखिए अगर यहाँ पे क्वालिफाइड लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को एडमिट कार्ड का एक ऑप्शन आ गया होगा, तो आप इस पर क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड जो रहेगा आपके मेडिकल का रहने वाला है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि कल पानीर का एडमिट कार्ड आ गया, सॉरी दोस्तों, कल पानीर का रिजल्ट आके टेटस का एडमिट कार्ड जारी हो गया और मेडिकल का, और अब यहाँ पर बात आ गई कि एनिमल ट्रांसपोर्ट का भी यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया, ठीक है,
एनिमल ट्रांसपोर्ट का भी रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया। जो बच्चा एनिमल ट्रांसपोर्ट के रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया होगा उसके ईमेल पर एक मेल भी गया होगा, अपने मेल को चेक कर सकता है, या फिर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके इस पोर्टल पे आकर वो अपना यहाँ से भी चेक कर सकता है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे यहाँ से आके चेक कर ले। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि जो बच्चा क्वालिफाई कर लिया एग्जाम को उसी के पास मेल जा रहा है, जो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया उसके पास कोई मेल नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पे इस बच्चे का है, और अब बता दें आप रिजल्ट जो आना है वो आना है ट्रेडमैन का, ध्यान दीजिएगा ट्रेड्समैन का रिजल्ट आना है। उसके बाद आने वाला है टेलीकम्युनिकेशन का, किसका आने वाला है टेलीकम्युनिकेशन का, और उसके बाद आप सभी का SCM का रिजल्ट, मतलब इन तीनों का रिजल्ट जो है अभी बाकी है। और भी ट्रेडें हैं जिनका मुझे जल्दी मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, बाकी ये तीनों जो हैं अभी यहाँ पे हेडलाइन बनी हुई है। इन तीनों का रिजल्ट जो है आगे आने वाले कम से कम 3 दिन के अंदर सभी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और इन सभी में बता दें आप सभी को, जिस प्रकार से एनिमल ट्रांसपोर्ट का देखिए रिजल्ट आ गया, उनकी मेडिकल का डेट भी एडमिट कार्ड में लिखा है, ठीक है, उसी प्रकार से टेलीकम्युनिकेशन का भी आज रात तक या फिर कल आपका टेलीकम्युनिकेशन का यहाँ पर जारी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी अब आपका मेडिकल ही होना है, और एनिमल ट्रांसपोर्ट के बाद जस्ट इसका मेडिकल यहाँ पर स्टार्ट होगा, इसलिए इनका रिजल्ट भी यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा जल्दी। ठीक है, उसके बाद बात रही ट्रेड्समैन का होगा, फिर उसके बाद SCM का यहाँ पर रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी भी ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते या ट्रेड टेस्ट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सबके लिए ट्रेड टेस्ट की डिटेल से वीडियो बना दूंगा। क्योंकि ITBP ट्रेड्समैन के जितने बच्चे हैं वो सभी बस यही सोच रहे हैं कि कितना कट ऑफ हमारा रह सकता है। तो मेरे भाई आप सभी देखे होंगे 39, केवल 39 नंबर पाकर बच्चे ने पानीर में, ठीक है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, केवल 39 नंबर। और यहाँ पर देखो बच्चे ने एनिमल ट्रांसपोर्ट में 67 नंबर पाकर भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो आपको बता दें मेरे दोस्त कि ITBP का भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आप सभी सावधान रहिए। और मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि यहाँ पर दे सकते हो, अब केवल इसका मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन बाकी है, मेडिकल बाकी है, लेकिन पानीर में ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन मेडिकल तीनों था, ठीक है, इसलिए बच्चों को ज़रा क्वालिफाई किया गया। लेकिन यहाँ पे आप सबका ट्रेड टेस्ट है नहीं, केवल मेडिकल ही होगा, इस प्रकार से कम ही बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं। अगर हम अप्रॉक्स आपको बताएं तो करीब करीब यहाँ पे 150 या फिर 200 के आसपास बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं एनिमल ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, ऑल इंडिया बेस पर मेरिट आपकी बनाई गई है। अब मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, अदरवाइज अगर आपके अंदर कोई भी सवाल होगा या फिर मुझसे कोई जानकारी छूट गई होगी तो कमेंट कर सकते हो, उसकी वीडियो मैं आप सबके लिए जल्दी बना दूंगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अभी के लिए मिलता है सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।